दोस्तों अगर स्मार्टफोन लॉन्चेस की बात करें तो सितंबर में स्मार्टफोन तो लॉन्च हुए बट बजट रेंज में हुए, फ्लैगशिप स्मार्टफोन हम लोग को इतने ज्यादा देखने को नहीं मिले। बट बात करें अक्टूबर के बारे में तो भाई साहब फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स की आपको पूरी सीरीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। हर ब्रांड यहाँ पे फ्लैगशिप सीरीज को यहाँ पे लॉन्च कर रहा है और अक्टूबर आपका काफी ज्यादा बिजी होने वाला है। तो आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ अक्टूबर के अंदर कुछ ऐसे स्मार्टफोन जो लॉन्च होने वाले हैं और बहुत ज्यादा अमेजिंग यहाँ पे होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब लीजिए क्योंकि हम लोग ऐसी वीडियोस रेगुलर बेस पे करते रहते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहां पे बजट सीरीज के बारे में। तो बजट में तो लॉन्च नहीं होने बट एक दो फोन है तो मैं बताने वाला हूं। अंडर 20,000 की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है रेडमी की तरफ से रेडमी का नोट 13 सीरीज। जैसे कि आपको पता है 12 सीरीज आई थी तो नोट 13 सीरीज यहां पे देखने को मिलने वाली है, जिसके अंदर आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, 200 मेगापिक्सल का कैमरा होने वाला है और डायमेंसिटी 7200 के साथ होने वाला है। और एक्चुअल में 13 सीरीज कितनी परफॉर्मेंस लेके आने वाली है और यहाँ पे जो डिस्प्ले वगैरह काफी ज़्यादा अमेजिंग यहाँ पे लग रही है, तो एक्चुअल में काफी ज़्यादा अच्छी मुझे लग रही है और ये अक्टूबर में आपको एंड अक्टूबर के आसपास यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यही जो एक स्मार्टफोन है जो कि हम लोग को पता है। और भी कुछ स्मार्ट जैसे कि टेक्नो की तरफ से आपका रेडमी हो गया, पोको हो गया, आपका यहाँ पे मोटरोला वगैरह भी बजट में लॉन्च करेंगे बट ये जो स्मार्टफोन है फिक्स है, इसलिए मैं इसका सीरीज आपको नाम बताया। और अगर बात करें यहाँ पे अंडर 30,000 के बारे में तो यहाँ पे स्मार्टफोन काफी अच्छा आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। इसके अंदर आपको मिलता है वीवो की 29 सीरीज। जैसे कि आपको पता है वीवो 29E जो है अभी रिसेंटली यहाँ पे लॉन्च हुआ है, तो 29 जो सीरीज है ये लॉन्च करने वाले, जिसमें आपको 29 और 29 प्रो होने वाला है, जिसके अंदर आपको 6.7 इंच की आपको एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, कैमरा वगैरह काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, 5000 mAh की बैटरी वगैरह यहाँ पे होने वाली है, 64 मेगापिक्सल का OIS कैमरा आपको भी देखने को मिलेगा, स्नैपड्रैगन 778G के साथ आपको देखने वाला है। तो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा ये फोन अच्छा होने वाला है। वीवो वालों के कैमरेज काफी अच्छे हैं तो डेफिनेटली स्मार्टफोन काफी अच्छा यहाँ पे होने वाला है। तो अंडर 30,000 और बजट सीरीज की तो बात होगी, अब बात करते हैं यहाँ पे फ्लैगशिप सीरीज के बारे में। तो अबव 50,000 के बारे में बात करते हैं और बहुत सारे स्मार्टफोन्स मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इस सीरीज को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रियलमी की तरफ से आता है रियलमी GT5 Pro जो आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है और लगभग ये अक्टूबर के अंदर ये लॉन्च होने वाला है, मिड ऑफ द अक्टूबर आपको देखने को मिलेगा। स्पेक्स के बारे में बात करते हैं 6.1 इंच की आपको इसमें एमोलेड डिस्प्ले 1.5K 144Hz की डिस्प्ले के साथ आपको देखने को मिल सकती है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 की पावर के साथ आने वाला है, तो ये प्रोसेसर काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस लाता है। और अगर बात करें कैमरा वगैरह काफी ज्यादा इसके अंदर डिसेंट टाइप का आपको मिलने वाला है, 4600 mAh की बैटरी वगैरह होने वाली है। तो रियलमी वाले अपनी GT सीरीज लेके आने वाले हैं और आपको पता है GT सीरीज बहुत ज्यादा तगड़ी होती है रियलमी वाले की, तो ये फोन जो है आपको अक्टूबर के अंदर देखने को मिलने वाला है। और अगर बात करें यहाँ पे सैमसंग के बारे में तो भाई साहब सैमसंग S23 FE जो है वो आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। और फैन एडिशन की अगर बात करूं सीरियसली ये स्मार्टफोन बहुत ज्यादा बिकने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोग इस स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं। बात करें स्पेस के बारे में 8 Gen 2 प्रोसेसर के साथ होने वाला है, एमोलेड डिस्प्ले आके देखने को मिलने वाली है, 50 MP का कैमरा होने वाला है। और अगर बात करें यहाँ पे 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, तो डेफिनेटली अगर बात करें सैमसंग ये पैकेज बहुत अच्छा देखने को आपको लेने वाला है। और फैन एडिशन काफी छोटे स्मार्टफोन्स होते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और बहुत सारे जो लोग हैं इसका वेट करते हैं, तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन जो है वो अक्टूबर के अंदर लॉन्च होने वाला है। और अगर बात करें यहाँ पे टेक्नो के बारे में तो भाई सबसे सीरियसली बता रहा हूँ, दिल से टेक्नो वाले इतना अच्छा काम कर रहे हैं। इन्हों लोगों ने लॉन्च करने वाले टेक्नो V Flip 5G, मैं इस फोन की स्पेशली एक चीज बताऊं, ये जो फ्लिप स्मार्टफोन है 50,000 के अंदर आपको देखने को वाला है। तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में फ्लिप स्मार्टफोन्स भी काफी ज्यादा यहाँ पे सस्ते होने वाले हैं। और ये इस ब्रांड अगर कुछ ब्रांड्स ऐसा करते हैं तो जिसकी वजह से फ्लैगशिप जो ब्रांड है जैसे कि सैमसंग हो गया, ये सारे ब्रांड भी इस प्राइसिंग को कम करेंगे, जिसकी वजह से आपको काफी ज्यादा अफोर्डेबिलिटी जो है बढ़ जाएगी। बात करते हैं इस फोन के स्पेक्स के बारे में, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलती है 7.8 इंच की एमोलेड डिस्प्ले और इसके अंदर जो कवर डिस्प्ले है वो तो आपको काफी ज्यादा अमेजिंग यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 के साथ यहाँ पे आने वाला है, कैमरा वगैरह काफी ज्यादा अमेजिंग है, इसके लुक्स काफी ज्यादा अमेजिंग मुझे लग रहे हैं। और अगर बात करें यहाँ पे बैटरी के बारे में तो 4500 mAh की बैटरी वगैरह होने वाली है, तो डेफिनेटली टेक्नो की तरफ से भी ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिलने वाला है और काफी अच्छी परफॉर्मेंस अभी होने वाला है। और अगर बात करें यहाँ पे OnePlus के बारे में, भाई साहब अगर फ्लैगशिप सीरीज की बात की जाए तो OnePlus का स्मार्टफोन तो बिल्कुल ही आता है। तो OnePlus अपना फोल्डेबल स्मार्टफोन लेके आने वाला है, OnePlus Open, और ये जो स्मार्टफोन होने वाला है वो आपका जो ओप्पो का स्मार्टफोन है जो फोल्डेबल स्मार्टफोन के काफी ज्यादा नियर स्पेक्स आपको देखने को हमें मिलेंगे, जिसके अंदर आपको एमोलेड डिस्प्ले वगैरह होने वाली है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 की पावर के साथ आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, 120Hz की आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को यहाँ पे मिल सकती है और 64 MP कैमरा होने वाला है। डेफिनेटली ये जो परफॉर्मेंस लेके आने वाला है बहुत ज्यादा किलर यहाँ पे होने वाली है। तो OnePlus भी अपना स्मार्टफोन लेके आने वाला जो कि फोल्डेबल सीरीज के अंदर
तो जल्द ही आपको बहुत सारे ब्रांड की तरफ से फोल्डेबल स्मार्टफोन देखने को मिल रहे हैं। और अगर बात करें आप पे पिक्सल सीरीज के बारे में, तो गूगल भी अपना लेके आने वाला पिक्सल 8 एंड 8 प्रो सीरीज, जहां पे आपको अक्टूबर के अंदर ये लॉन्च होने वाली है। अगर बात करें स्पेक्स के बारे में, इसके अंदर आपको G3 चिपसेट देखने को मिलने वाली है, टेंसर G3 से चिपसेट, जो कि काफी सी परफॉर्मेंस के साथ आपको देखने को यहाँ पे मिल सकती है। यहाँ पे आपको कैमरा वगैरह काफी ज्यादा अच्छे होने वाले हैं। और आपको पता है गूगल के जो फोन होते हैं, कैमरा परफॉर्मेंस और UI जो उनका होता है अलग ही नेक्स्ट लेवल होता है, तो उसकी कोई भी मतलब अच्छी चीजें बताना को कोई मतलब होता नहीं, क्योंकि वो सारी चीजें अच्छी होती है। और अगर बात करें 64 मेगापिक्सल का कैमरा होने वाला है, तो गूगल भी अपना स्मार्टफोन्स लेके आने वाला है। तो यही कुछ स्मार्टफोन्स थे जो आपको देखने को मिल सकते हैं अक्टूबर के अंदर। और भी ब्रांड्स ला रहे हैं, जैसे कि टेक्नो हो गया, मोटो हो गया, लावा वगैरह के स्मार्टफोन्स भी आपको देखने को मिलेंगे। बट ये जो कुछ स्मार्टफोन है, जिनका कंफर्मेशन 99% आपको देखने का पे मिल जाता है, और BBD सेल्स और फ्लिपकार्ट की सेल्स भी यहाँ पे आने वाली है। तो भाई साहब, अगर आपको स्मार्टफोन खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी चीज़ें खरीदनी है, आप इसी समय खरीदिए, क्योंकि जो इस सेल के अंदर आपको काफ़ी अच्छे प्राइजेस देखने को मिलते हैं। इसकी भी सीरीज हम लोग जल्दी लेके आने वाले, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत ही जल्दी आपको उसकी वीडियो देखने को मिलेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।